kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. 7K insert tab के अंदर illustration block में आज हम सीखेंगे picture लाना, picture का आकार बदलना और object position. Home tab के जो blocks हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं. अब हम देखते हैं insert tab. इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको insert tab के अलग अलग blocks मिल जाएंगे. इसमें देखिए illustrations block जो है उसमें आपके पास पहला option है picture का. अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें. अब आपके पास आपके सिस्टम में जहां पर भी आपने पिक्चर्स या वॉलपेपर सेव करके रखे हुए हैं वहां से आप पिक्चर ले सकते हैं. यहां पर हमारे पास कोई इस तरह से पिक्चर नहीं है तो हम ये पिक्चर्स वाले ऑप्शन पर गए. यहां पर कुछ सैंपल पिक्चर्स हैं, इसकी मदद से हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. सैंपल पिक्चर पर आपने क्लिक किया, ये कुछ सैंपल पिक्चर्स आपके सामने आ गई. अब मान लीजिए इसमें से कोई पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं. मान लीजिए लाइट हाउस आपको लेना है, आप इस पर क्लिक कर दें और उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दें. हमने फाइल में पिक्चर लाना सीखा और ये देखिए यहाँ फाइल में आपके पिक्चर इंसर्ट हो गए. इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड है, इसके कॉर्नर्स पे ये आपको जो है वो ये निशान सर्कल्स और स्क्वायर दिख रहे हैं, इसका मतलब पिक्चर सिलेक्टेड है. अगर आप इस पिक्चर के बाहर क्लिक कर देंगे तो ये जो है वो सारे चले जाएंगे. अब आपको अगर पिक्चर को वापस सेलेक्ट करना है तो आपको उसके अंदर क्लिक करना होगा, ये वापस आ जाएंगे. अब मान लीजिए आप इस पिक्चर को छोटा करना चाहते हैं तो ये किसी भी सर्कल पर यहाँ कॉर्नर पर आप पॉइंटर रखें और उसे क्लिक करते हुए ड्रैग कर लें. ये देखिए ये आपकी पिक्चर छोटी हो गई. आप इसे और छोटा करना चाहते हैं तो आप इसे और भी छोटा कर सकते हैं. ये देखिए इस तरह से पिक्चर पर जब आप काम करते हैं तो आप यहाँ देखिए आपको यहाँ पिक्चर टूल बार मिल जाता है. इसमें और भी कुछ आपको करना है तो आप कर सकते हैं, पर कभी आप बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो देखिए यहाँ से आपका पिक्चर टूल बार चला गया है. अब आपको वो अगर चाहिए तो आप वापस पिक्चर पर क्लिक कर दें. ये देखिए अपने आप आपका पिक्चर टूल बार फिर आ जाएगा. लीजिए आप इस पूरी पिक्चर को यहाँ से हटाना चाहते हैं, सरकाना चाहते हैं, ऊपर या नीचे या कहीं और ले जाना चाहते हैं, ऐसे आप ट्राई करेंगे तो ये नहीं जाएगी. इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पोजीशन. आप पोजीशन पर जाकर के क्लिक करें और इसके बाद नीचे इसमें मोड लेआउट ऑप्शन है. अब इसमें आप देखिए आप किसी भी ऑप्शन पर अगर जाते हैं, टॉप एंड बॉटम मान लीजिए आपने ऑप्शन लिया और इसको ओके किया, अब आप इसको जहां ले जाना चाहेंगे ये वहां चली जाएगी. क्लिक करके ड्रैग करते जाइए और मनचाही पोजीशन पर रखते जाइए. बीच में रखना हो बीच में रख लीजिए. आइए अब सीखते हैं इस पिक्चर को रोटेट करना. आप देख रहे हैं कि इसके चारों कॉर्नर पर तो सर्कल्स हैं ही, ये बीच में एक हरा सर्कल है. जैसे ही आप अपने पॉइंटर को यहाँ ले जाते हैं तो रोटेट करने का निशान आ जाता है. यहाँ पर पॉइंटर रखें और क्लिक करके आप इसे पिक्चर को घुमाते जाएं. आप जैसा चाहते हैं वैसे ये घूमती जाएगी. आप टिल्टेड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए. ये देखिए आपकी पिक्चर जो है वो घूम गई. वापस पॉइंटर को यहाँ रखें, सीधा करना है सीधा कर लें. जैसा भी आप चाहते हैं अपने पिक्चर को उस तरह से घुमा सकते हैं. अभी भी आपको ये पिक्चर नहीं चाहिए और आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो पिक्चर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप अपने कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगी. और अगर मान लीजिए कि ये सिलेक्टेड नहीं है, आप मान लीजिए बाहर कुछ काम कर रहे हैं और ये सिलेक्टेड नहीं है, अब अगर आप इसको डिलीट करेंगे डिलीट नहीं होगी, तो उसके लिए आप पिक्चर पर जाएँ, एक बार क्लिक करें, ये सिलेक्टेड है, अब डिलीट कर दें, पिक्चर डिलीट होगी. आपने पिक्चर इंसर्ट करना तो सीख लिया. अब मान लीजिए किसी पैराग्राफ के साथ आपने पिक्चर इंसर्ट की है, अब इस पिक्चर को आप इस पैराग्राफ के साथ सेट करना चाहते हैं, मतलब बाहर एक कॉर्नर में रखने के बजाय आप चाहते हैं कि ये मैटर जो है वो पिक्चर के आसपास आए, पिक्चर की पोजीशन अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए
जैसे ही आप पॉइंटर को पिक्चर पर ले जाकर के क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपको पिक्चर टूल्स मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करते ही ये आपके पास ये टूल्स मिल गए। अब यहाँ पर है पोजीशन वाला ऑप्शन, इस एरो पर क्लिक करते ही आपको पिक्चर और पैराग्राफ की अलग अलग पोजीशन मिल जाएंगी। और ये नीचे प्रीव्यू में आप देखेंगे कैसा लगेगा, जैसे ये कॉर्नर में है तो ऐसी नजर आएगी, बीच में ऐसी हो जाएगी, आप अगर राइट हैंड साइड पर चाहते हैं तो ऐसी होगी, जिस तरह से आप उसको चाहेंगे वो उस तरह से आपको मिल जाएगी। और जो आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दें, ये ओके हो।